लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, शिवसेना की ओर से आज तुर्बे स्टोर्स में पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रमुख विठल मोरे और स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। शिवसेना नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने पैनल पद्धति से महानगर पालिका चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। यहां कुछ समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा। देखिए, राज्य सरकार ने नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव कराने पैनल पद्धति की घोषणा कर दी है। जनता के बीच इसकी जानकारी पहुंचे, इसके लिए आज शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने तुर्बे स्टोर्स में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। कार्यक्रम में बेलापुर के जिला प्रमुख विठल मोरे ने पैनल पद्धति की जानकारी देते हुए शिव सैनिकों में जमकर जोश भरा और चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कुछ समर्थकों के बीजेपी में जाने के सवाल पर शिवसेना नेताओं ने कहा कि तुर्बे विभाग का हर शिव सैनिक पार्टी के साथ जुड़ा है और मजबूती के साथ जनता की सेवा और मदद में जुटा हुआ है। या बैठक का मुख्य कारण असं है कि आताच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं निवडणुकीचे पॅनल पद्धतीने होणारं मतदान भविष्यातलं ते कशा पद्धतीने करायचं ह्याची थोडीशी कल्पना प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना द्यावी त्या उद्देशाने माननीय सुरेश कुलकर्णी यांनी आजची ही सभा बोलावलेली होती। राहिला प्रश्न, तुम्ही जो प्रश्न विचारलात की या ठिकाणी काही लोक इकडे तिकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत, जाणाऱ्या लोकांची कोणीच कधी शिवसेनेने चिंता केलेली नाही। आपण पाहिलं खूप रथी महारथी शिवसेनेत वाढले, मोठे झाले, खूप पैसे कमवले आणि ते आता दुसरीकडे गेल्यानंतर त्यांची स्थिती आणि तळमळ काय होते ते आपण पाहिलेलं की ह्या भागामध्ये श्री सुरेश कुलकर्णींनी गेले 25-30 वर्ष अशा प्रकारे एक तपश्चर्या केलेली आहे की जेणेकरून प्रत्येक इथला नागरिक, कष्टकरी, गोरगरीब, सर्व जाती धर्माचे पंतप्रांतांचे लोक ह्या तुर्ब्यामध्ये राहतात, ते सर्व कुलकर्णी यांची नात्याने जोडलेले आहेत, एक परिवार म्हणून जोडलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने ह्या भागाचा कुटुंब प्रमुख म्हणून सुरेश कुलकर्णी त्यांची जबाबदारी घेतात। हमारे जे भी शिवसैनिक आहे, आज शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, जो महिला आघाडी प्रमुख, एक ये गए हम लोग अभी 2-4 महीने से हम लोग मीटिंग नहीं लगाए। मीटिंग इसके लिए लगाया कि अभी इलेक्शन का और 5-6 महीने बाकी है। इलेक्शन ये मीटिंग लगाने के कारण है कि कुछ लोग जा रहे, जाने वाले तो हमारा पदाधिकारी में कोई जाने वाला नहीं, कोई कार्यकर्ता है वो जा रहा है, तो ये इसके बारे में मीटिंग लगाया था। तो जाने वाले को उसको जाना है, उसको बिंदास रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं। हमारे जो शिवसैनिक है वो हमारा साथ में, जो आने वाले तो हम आपको बाद में बताएंगे, जो आएंगे वो रह गए। पदाधिकारी थोड़ी महीना 2 महीने में ये चर्चा होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, पब्लिक तक इन लोग पहुँचना चाहिए, इसके वजह से मीटिंग लगाया। अपने अपने जितने भी शाखा प्रमुख है, उपशाखा प्रमुख है, महिला आघाड़ी प्रमुख है, इन लोग का एक टीम बना के अपने वार्ड में जो लोगों के समस्या है वो समस्या जानना ये जरूरी है, उसके लिए मीटिंग लगाई। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने पैनल पद्धति चुनाव की जानकारी देने पर बैठक को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम जनों को पैनल पद्धति की जानकारी देने में मदद मिलेगी। या कार्यक्रमामध्ये आज आम्ही कार्यकर्त्यांमध्ये एक जोश निर्माण केलेला आहे, कारण ती आता येणाऱ्या काळामध्ये पॅनल सिस्टम च्या प्रभागामध्ये पॅनल सिस्टमच्या हिशोबाने निवडणुका होणार आहेत। त्या निवडणुकामध्ये आम्हालाही आता येणाऱ्या काळामध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने ही निवडणूक आमची पार पडणार आहे, कारण की पॅनल सिस्टम असल्यामुळे सगळीकडे आमचेच जास्त मतदार असल्यामुळे
आम्हाला या वेळेस एकदम सोपं जाणार आहे हे इलेक्शन आणि आमचे सर्व उमेदवार भरपूर मताने निवडून येतील. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वर इंडिया.